Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Tune every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रहें, खैर व आफियत से रहें और बच बचा के रहें, एहतियात से रहें, बस अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला से ये दुआ है और एक दूसरे के लिए हिदायत करें, एक दूसरे को और एक दूसरे के लिए भलाई का सबब बने, एक दूसरे के लिए भलाई करें, भलाई चाहें। बेशक जब हम किसी का भला चाहेंगे तो हमारा रब हमारा भला करेगा और वही बात है कि जब हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमारा अमल भी अच्छा होगा। जब हमारी नीयत में फतूर होगा तो हमारा अमल अच्छा हो ही नहीं सकता कभी भी। हम अपनी नीयतों के साथ ही चल रहे होते हैं और हमारी नीयत कुछ और होती है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। अजीब हमारे यहाँ सिलसिला वही चल है कि हम सोचते ये है किसी को ज़ाहरी तौर पर तो हम बहुत किसी की बड़ी फेवर की बात, बड़ी किसी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मगर दिल में या जहन में तो हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और कुछ और सोच रहे होते हैं कि नहीं यार ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ यूँ है, इसके तो मैं यूँ करूँगा, इसको तो मैं, इसको तो बस पीछे करना है, इसको तो ये करना है, इसको फलाना करना है, इसको दिमाग का ये क्यों कामयाब है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। इस तरह की जेलसी हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है और इसके इसी वजह से हमारे नीयतों में फतूर भी शामिल हो जाता है और फिर हमारा अमल तो फिर उसी हिसाब से चलेगा क्योंकि नीयत ही हमारी ख़राब होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नीयतों से और इस तरह के फतूर से महफूज रखे और सब आप हम सब शामिल हैं इसमें। कोई एक नहीं कि कोई कहे कि जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ होगी। सिर्फ बेऐब जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और वही हमेशा से और हमेशा रहने वाला है और बस उसके अलावा सब पानी है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। कोई पता नहीं कब कहाँ और किस वक्त कहाँ चैप्टर क्लोज हो जाए, कहानी ख़त्म हो जाए और किताब बंद हो जाए, कोई पता नहीं। तो इसलिए हर लम्हे को बेहतर सोच कर चले कि आज का ये लम्हा हमारा आखिरी होगा, पता नहीं, मगर ये सोचने में कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला सबके साथ भला करे। तो जनाब वक्त हो चुका है आज के प्रोग्राम का और अब से लेकर वही आपको बताया कि इख्तिताम तक हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश तो यही है कुछ अच्छी अच्छी सी बातें हो जाएं, अच्छे अच्छे से मैसेज हो जाएं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते चलें। सर्दी का मौसम है और सर्दी सब जगह आ चुकी है, तो लाजमी अब भी सर्दी नहीं आई तो कब आएगी भाई। सर्दी का मौसम है, सर्दी ने तो आना है ना अब। और यहाँ भी बड़ी ठीक ठाक सर्दी हो गई आज। आप देखें मैं भी सोच रहा था कि आज इसको नहीं पहनूंगा, मैं सोचे चले आज पहनी जाओ यार। स्टूडियो में भी एसी भी चल रहा है, उसके बावजूद बंद भी किया, मगर फिर भी थोड़ा सा यार सर्दी का मज़ा लेने के लिए जैकेट का पहनना ज़रूरी है क्योंकि जैकेट नहीं पहने तो सर्दी का मज़ा ही नहीं आता और इसके बगैर तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सर्दी है या नहीं है, कुछ भी नहीं। खैर जी बहरहाल ठीक ठाक रहेंगे, खैरियत से रहेंगे और आज का प्रोग्राम जो है वो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। कोशिश है कि अच्छी बातें, अच्छी सिलसिले, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी गपशप, अच्छे मैसेजेस हों तो यकीनन सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो फिर यूँ करते हैं। नींद की मुसलसल कमी इमराज़े कल्ब, ज़ियाबतिस, मोटापे और डिप्रेशन का सबब बन सकती है। अपने वालिद से मशवरा कीजिए कि आपके लिए कितनी नींद जरूरी है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे जर्मनी की जानिब से मफाद अम्मा का पैगाम। Hit station for the hit nation FM 100.1. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Tune every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan. जी जनाब कर न सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। जी हाँ बिल्कुल, कर ना सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए। बस बात तो यही है, बस ये सारी ज़िंदगी के मेले होते हैं, ज़िंदगी के सौदे होते हैं और ज़िंदगी में कब क्या कैसे होगा ये कभी कभी हम हमारी कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं और कभी कभी दूसरों की गलतियों की सज़ा हम भुगतते हैं। ज़िंदगी नाम ही इसी का है, कहते हैं ना ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। है ना, ये एक पुरानी सी बात है मगर क्या खूबसूरत बात है और वाकई बड़ी सही बात है। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और कभी बड़ी बड़ी बातें असर ही नहीं करती और छोटी सी बात जो है वो कहते छोटा सा कंकर भी जाके जब लगता है तो दुनिया बदल देता है और कभी बड़े बड़े पहाड़ जो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। और जनाब वक्त 1:31 हो चुके हैं और आप सबको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब भी ताकि आप सबको खुश आमदीद कहते चलें। साथ साथ हमजा शाबान ने हमें ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, अगेन लाइव विद लव यू सो मच सर, थैंक यू, खुश रहें और बहुत शुक्रिया। उसके बाद हसीब ने कलियाल का मैसेज है जनाब दे अजमल सर, आई एम नीनू, आपको बहुत मिस किया फ्रॉम इटाली, काम की प्रॉब्लम ही है और आपका और हमारा टाइम बस एग्जैक्ट है, सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है कभी कभी। और बहरहाल आपको खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। खुर्शीद अजीज साहब कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और उसके बाद हसीब कहते हैं आज आपकी कन्वर्सेशन इंजॉय करनी है बिकॉज टुमारो छुट्टी है, लव यू सर, लव यू ऑल पाकिस्तानी, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला, खुश रहें। मेरी कन्वर्सेशन को क्या आप इंजॉय करेंगे, बस ऐसे ही बैठ के गपशप करते हैं। कहते हैं अपनी गैदरिंग दोस्त यारों की जब गैदरिंग होती है तो पता ज़रा भी इसी तरह इंजॉय करते हैं ना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप जब मेरे साथ होते हैं तो वाकई मैं बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। और इसके बाद जनाब अयाज खान ने भी ज्वाइन किया मेट्रोवेल से, खुश आमदीद, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक है, फंटास्टिक शो, थैंक यू अयाज और ग्रेट आरजे। पता नहीं भैया आपको पता होगा, मैं नहीं कहता और ना मैं हूँ इतना ग्रेट, बस मैं एवे ही हूँ, बस काम चलाने वाला आरजे हूँ मैं। और उसके बाद माई बेस्ट विशी, थैंक यू अयाज, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे। अली जान जतोई कहता अस्सलाम वालेकुम शिकारपुर से, अली जान जतोई आपको खुश आमदीद कहते हैं शिकारपुर से, अलीजान जतोई कैसे ठीक ठाक हैं। शोएब अहमद कहते हैं ग्रेट शोएब अहमद जंग ग्रुप, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, सदा खुश रहें, आपको वेलकम कहते हैं। और क्या बात है आपके सर, आप तो भाई क्या बात, आप तो फिर जब बैठते हैं ना और आप जब देखते हैं तो क्या बात है, फिर आप तो इतने बेस्ट फोटोग्राफर माशाल्लाह और इतने सीनियर फोटोग्राफर हैं कि बस तस्वीर आपको देखकर चलती है, आप तस्वीर को देखकर नहीं चलते। माशाल्लाह आपको सलामत रखे शोएब, खुश रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। और उसके साथ साथ अली जान जतोई कहते हैं आपका प्रोग्राम हमेशा शिकारपुर से, और आपका अली जान जतोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और हारून हुरैन सुल्तान हनीफ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। वसीम सरदार कहते हैं सलाम सर, वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक हैं। शहरोज शफीक कहते हैं सलाम, क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। जिसका दिल और दिमाग साफ होगा उसकी नीयत भी साफ होगी, बेशक ये ज़रूरी बात है, दिल और दिमाग भी देखें, दिल दिमाग की तमाम चीज़ें नीयत पर मुनसर है। आपके जब नीयत सही नहीं होगी तो वो सब चीज़ें उसी से डेवलप हो रही होती हैं। पहले नीयत कहते हैं आपके जहन में कोई भी बात कहीं से भी होती है, वो जब आती है तो वो प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है, वो नीयत बनती है और नीयत के बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। एक कहते हैं कि हम एक चीज़ प्लान करते हैं, वो प्लान क्या, वो नीयत होती है और उसके बाद सोचते हैं अब मुझे क्या करना है। मैंने सोचा जी मैंने आज शो करने जाना है, ये मेरी एक नीयत हो गई और उसके बाद फिर मैंने अपनी प्लानिंग शुरू की कि मुझे शो के लिए क्या करना है, कब जाना है, कितने निकलना है, कब पहुँचना है, कैसे क्या, तो ये सब चीज़ उसके बाद शुरू होती है। भारत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपको आप मेरी बात को समझे। सलीम लाला कहते हैं हानी हाय हाय अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ठीक ठाक है। आरजे अयाज खान कहते हैं वंडरफुल शो, बहुत शुक्रिया जी। और ग्रेट आरजे थैंक यू, जजाकल्ला आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ग्रेट सॉन्ग जी, माय बेस्ट जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद कहते हैं शोभी भाई दिल को खुश कर दिया ने आज आपने दिया और मैं का गाना बहुत शुक्रिया, बहुत चला दिया, लाला का गाना चला दिया, बहुत शुक्रिया। और हमजा कहते हैं सर 1 year बिफोर आई लिसन योर वॉइस ऑन FM 100 from that time I started following you. Love you sir. Thank you very much जी। देखें फिर तो यादें ताज़ा हो गई, दुनिया गोल है, इस बात से अंदाज़ा हो गया। इमरान अवान कहते हैं वाह वाह अजमल भाई छा गए, बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखा गए। और सोनम सईदी अयाज अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मेरा पाकिस्तान और वहाँ के लोगों को सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें आप, ठीक है, खैरियत से, बहुत दिनों बाद आपने हमें ज्वाइन किया। और उसके बाद खुर्शीद अजीज साहब कहते हैं आपको सब पसंद करते हैं और हमारे घर वाले अनमोल, मानूर, अनमता और मैं खुर्शीद अजीज, जज़ाकल्लाह आप सब के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, महफूज रखे और अपने अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आप सबको, खुश रहें, जज़ाकल्लाह जी। लकमान शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और आज तो सुबह ही आपने ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह जी। और खुर्शीद अजीज साहब नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आते हैं जनाब, हम चलते हैं कामों की, चलते हैं जी। आइए हम पहुंच चुके हैं कामों की और कामों की से लाइव बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद अहमद शकील साहब मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। और गुड गुड एंड गार्डन गार्डन। और कहते हैं मी अहमद एंड प्रोफेसर फुकान एंड नईम इन प्रोफेसर फुकान होम। अच्छा क्या बात है भाई, प्रोफेसर फुकान साहब के होम पे आज फिर डेरा एंड on link with us on Pakistan. Haji Javed Sahab is with us in Islamabad, Pakistan, and in Azerbaijan, Baku, Hassan Lao in on Coffee World. क्या बात है सर, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, हसन लाओ भी मौजूद है। और उसके बाद फिर मैं और प्रोफेसर फुरकान नईम वुफर पर सुन रहे हैं। फिर तो मज़ा ही गाल है सर, फिर तो गाली मौका गई हो, वुफर पे तो बड़ा वाकई सुनने का बड़ा मज़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फिर कहते जनाब एहतमाम से, क्या बात है, और सब तो ऐसे ही कहते थे हम भूल गए, और उसे आज जब आँखों की रिमझिम लगी तो पता चला कि हर वक्त साथ है वो। हाय हाय क्या बात है, बड़ा रोमांटिक लिख दिया शेर भाई आपने, बाकलम खुद अहमद जोगी। और क्या बात है जोगी जी, और खुश रहो तो। और सलीम लाला कहते हैं थैंक यू वेरी मच जी, नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। रंगमाना शेख साहबा कहती हैं। और उसके बाद मेरी आवाज़ मेरे ख्याल में तेज़ हुई होगी, आवाज़ तेज़ ही आवाज़ होगी आज शायद, हो सकता है अभी आवाज़ देखें, मेरे ख्याल में कुछ तेज़ होगी आवाज़, मेरी आवाज़ तो वैसे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ है। और बहरहाल चले देखते ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर जनाब सरदार परवेज साहब ने यूके से मैं ज्वाइन किया। शोबी भाई क्या हाल हैं, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद अहमद शकील साहब माइक की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करें, मैं अभी चेक करता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ। अनीस से फातिमा नाजी ने मैं ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जनाब आपने बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया जी। जैनब मोहसिन ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जैनब, कैसे ठीक है, खैरियत से? सलीम अहमद सदीकी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बाखैर ज़िंदगी। और उसके बाद गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, दिल खुश हो जाता है, जज़ाकल्लाह सलीम भाई, खुश रहें, बहुत सारी दुआएँ, आप इस तरह सदा खुश और सलामत रहें, आमीन, और कामयाबियाँ हासिल करते रहे मिस्टर अजमल शोबी साहब, जज़ाकल्लाह, खुश रहे सलीम भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और सोनू खान वारर और थैंक यू जी। और उसके बाद सोनम सईदी की जी भाई आप मुझे याद रखते हैं, अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहे जी। बात तो चल निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी, मगर हम यूँ करते हैं ज़रा सा आपको अभी जो है वो यहाँ लेकर चलते हैं। पहले यूँ करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ पता नहीं, क्या सोच रहा हूँ, कुछ तो सोच रहा था मैं, और क्या सोच रहा था अभी पहले हम सुनवाते हैं आपको ये ज़रा सा खूबसूरत सा एक ट्रैक, और ये आई होप कि आपको पसंद आएगा क्योंकि ये बड़ा ख़ास है और ख़ास लोगों के लिए भी है। सुबह उठकर थकन और सुस्ती महसूस करते हैं तो अपने मुआलिज से मशवरा करें कि इसकी क्या वजह हो सकती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायल, डॉक्टर विल्मार श्वाबे जर्मनी की जानिब से मफाद आम्मा का पैगाम। Keep it locked to 100 FM. Listen and watch. Listen and watch. watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan. जी जनाब, छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे, नैना मिलाई के नैना में आई के हैं जी। बिल्कुल, चलिए यूं करते हैं कि जरा सब आते हैं, जरा इस तरफ आते हैं और इस मूड की तरफ भी आते हैं, और यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ खूबसूरत से चंद अल्फाज, खूबसूरत से अल्फाज हैं जो आपके नाम करते हैं, और ये अल्फाज जरा देखते हैं कि कौन से अल्फाज हैं। जरा ये जरा सुने, जरा आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे खूबसूरत से अल्फाज। मुल्ला पंडित सा ते रब दा खोज खुरा ना लब्बा ते तरले कर कर हारे रब रब कर दे बुढ़रे हो गए मुल्ला पंडित सारे ते रब दा खोज खुरा ना लब्बा ते तरले कर कर हारे रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा यार तू तन मन वारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा यार तू तन मन वारे ते इट खड़के दुकड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला ते आउन फकीर ते खा जावन राजी होवे बुल्ला। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अहमद शकील साहब, मज़ा ही आ गया। वाह जी वाह, खुश रहो, सलामत रहो। क्या बात है जनाब आपकी। बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा खूबसूरत कलाम, और वाकई समझ में आने वाली बात है। कि चलिए हम यूँ करते हैं, हम आते हैं, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ये समझ में आया कलाम आपकी और बाबा बुल्ले शाह का कलाम। और अहमद शकील साहब का मैसेज यहाँ हमारे पास, वाह वाह खूब शोभी भाई, अच्छा तिलक सब छीन ली अधम कैदी जनाब और फुरकान साहब कह रहे हैं इस सॉन्ग को सुनते ही नाहिद अख्तर साहिबा का स्टाइल याद जो है वो किथे गया जी, किथे गया मैसेज, किथे गया। आज भाई ये मैसेज है और थोड़ा सा इसको जी ना का स्टाइल याद आ जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमीर खुसरो साहब की याद ताज़ा हो जाती है। और आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं इन बुज़ुर्गों के कलाम और कलाम का, और हमारा फ़र्ज़ इनको डायरेक्शन देना है। काम अगर अच्छा सुनेंगे और कान अगर अच्छा सुनेंगे तो अच्छी बात ही सोचेंगे, और स्टूडेंट्स में और वो तामीरी तौर पर जो भी आगे बढ़ सकते हैं। बेशक बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है, और लव यू शोबा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात की वाकई। क्योंकि हम जो सुनेंगे वही हमारे जहन में, बचपन से एक चीज़ हम सुनते आएंगे और एक चीज़ को हम इधर अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं नक्श हो रही होती है। हमारे अल्लाह ताला ने हमारी आँखों में, हमारे दिमाग में एक ऐसे स्कैनर, ऑटोमेटिकली ऐसे स्कैनर फिक्स कर देंगे। अब देखें कि कोई चीज़ जब हम देखते हैं, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हों या कोई चीज़ देखते हैं, और वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्कैन में और हमारे जो हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। जब कभी अचानक कोई ऐसा सामने आता है, कुछ होता है, तो हमारे सामने वो पूरी फिल्म जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। हम अपने माजी के गोशों में चले जाते हैं और हमारे सामने ऐसा लगता है कि पूरा जैसा सब कुछ अभी मेरे सामने अभी हो रहा है। तो ये यही चीज़ है कि वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नक्श हो चुकी है, सेव है वो, और वो बिल्कुल ठक से बटन दबता है और वो चीज़ सामने आप देखना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि हम तन्हाई में भी जब मौजूद होते हैं, तन्हाई में भी हम एक मजमे में मौजूद होते हैं, फिजिकली हम तन्हा होते हैं, कहीं अकेले बैठे हैं, महफिल में रहकर भी कभी कभी इंसान तन्हा होता है, और कभी कभी कहते तन्हा होकर भी एक बड़ी महफिल में मौजूद होता है। यही वो बात होती है कि हम जहनी तौर पर कहीं होते हैं, फिजिकली कहीं मौजूद होते हैं, मगर जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर हमारा दिमाग, हमारा जहन कहीं और होता है। तो यही वो बात होती है कि जब आप तन्हाई में एक मजमे के साथ होते हैं और कभी एक मजमे में होकर भी आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, यही वो सारी वजूहत होती हैं। तो बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत बात आपने। और फुरकान साहब थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, तमाम लोग खुश रहें। हाजी जावेद साहब यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, और हाजी रमज़ान साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाजी जावेद साहब, आलम शकील साहब ने, प्रोफेसर फुरकान, प्रोफेसर नईम और उसके साथ साथ जो है जी राहिल भाई, और फिर ख़ास तौर पर जो है आलम शकील साहब की वालदा के लिए बहुत सारी दुआएँ हमारी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी अम्मी के लिए अहमद भाई। और उसके बाद नगमाना शेख साहबा कहती है हमेशा याद रहने वाला खूबसूरत सॉन्ग, जब भी सुनो अच्छा लगता है। बेशक जी। असलम शिपा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक आपके कामों में मज़ीद कामयाबी दे, आमीन आमीन, जज़ाकल्ला। हसीब कहते हैं लव यू सर, लव यू पाकिस्तान फ्राम इटली, थैंक यू, खुश हैं जी। और आबिदा शाहीन कहती हैं कि पैसा भी तो ज़रूरी है, और तन मन सारे ही वारदे ने, पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, मगर बात जो है वो पैसा वो तमाम चीज़ें पूरी नहीं कर सकता कि जो आपके तन और मन और आपके ख्याल और आपकी सोच में होते हैं। वो पैसा, पैसा तो देखें ना, पैसे से आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, पैसे से सुकून नहीं खरीद सकते, पैसे से आराम नहीं खरीद सकते, पैसे से मोहब्बत नहीं खरीद सकते। वैसे तो पैसे से सब कुछ मिल जाता है, मगर आप ये तमाम चीज़ें खरीद कर दिखाएं तो पता चले कि पैसा वाकई बड़ा ज़रूरी है। और नवीद अरशद कहते हैं बिल्कुल अब तक ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल ठीक कहा होगा, मगर जो मैंने कहा उस पर भी गौर कीजिएगा। और नवीद अरशद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई फ्राम सऊदीया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे नवीद? आपको वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अफसर जमाल फिल्म खालिद के सारे गीत सुनवाइए, सारे गीत, कोई एक नहीं छोड़ो, कोई एक तो छोड़ना पड़ेगा ना। और उसके बाद फिर जनाब हम आते हैं अब्दुल्ला मालिक के, हमें ज्वाइन किया, कहते हैं नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। सोनम सईदी अयाज कहती हैं कि नहीं है मेरा नाम भाई, सनम है, सॉरी, वो बस वो पढ़ने में मुगालती में हो गया, सोनम नहीं है बल्कि सनम है, बिल्कुल सनम है। और वो सॉन्ग है ना तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या बात है भाई, क्या बात है, सॉन्ग भी आपने अपने नाम से बड़ा सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और उसके बाद सरदार परवेज साहब, हो सके तो मेरा काम करो, आज की शाम मेरे नाम करो, या फिर सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर मेरी शाम मेरे नाम करते हैं। सर हम सॉन्ग भी प्ले करेंगे अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, और उसके बाद शाम भी आपके नाम करते थे। क्या याद करेंगे सरदार साहब, आप भी क्या याद करेंगे, किससे पाला पड़ा है ना, क्या ख्याल आपका? और जनाब उसके बाद फिर आगे ज़रा बढ़ते हैं। और जनाब इसके बाद कुछ और मैसेजेस हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है फ्रॉम पाकिस्तान? बुशरा नवीद ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खुश हैं जी, बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं ज़रा आते हैं इस तरफ, क्योंकि ये एक और बड़ा क्लासिक ट्रैक है जो मैं सुनवाने लगा हूँ आपको, और माजी की यादों को ये ताज़ा कर देगा, जरा सुनिएगा। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi, every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan। चल बुलिया चलो ते चलिए ते जिथे लोकी अन्ने, चल बुलिया चलो ते चलिए जिथे लोकी अन्ने, ते ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मने, ते तू जग तो वखरी नीति ते तेरी होई मलामत लाख, तू जग तो वखरी नीति तेरी होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आखदे तू आहो आहो आख, तू आहो आहो आख। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह, मज़ा ही आ गया, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और ये खूबसूरत से देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, मुख्तसर सी बातें हैं, मगर क्या इनमें गहराई कितनी है। इन बुजुर्गों ने अपनी तमाम एहसासात और तमाम चीज़ें जो भी उन्होंने फील की, जो महसूस किया, वो ऐसे देखे मुख्तसर लफ्जों में कैसे अदाई की थी। और जनाब अमीर शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश पर अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत से कदमात आपने पंजाबी ज़बान में जो है हमें भेजें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला, खुश रहें, लव यू। और जनाब फिर मैसेज भी पढ़ लेते हैं हम, हाथ के हाथ आते हैं ज़रा कुछ मैसेज के साथ साथ चलते चले ताकि कुछ वरना मैसेज लेट हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे शोबी साहब साडा मैसेज किथे गया। और फिर अरशद खान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद असदुल्ला मेमन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद फिर असदुल्ला मेमन कहते अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला, बहुत सारी दुआएं आपकी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें जी। बुरशा नवीद कहती है कैसे हैं शोबी भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से, अल्लाह का बहुत करम है, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस दुआओं में याद रखा करें और यकीनन मैं आप सबकी दुआओं का मोहताज हमेशा से हूँ और रहूँगा। और बुरशा कहती है, बुरशा नवीद कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा होता है, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा, आमीन। जज़ाकल्ला जी। हसीब कल्याल क्या कहते हैं? 1998 जी जनाब, 1998 से जब हम कराची के इलाके और बीटाउन में रहते थे, पुराने घर की छत पर पूरी फैमिली आपको सुनती थी। यू आर द ग्रेटेस्ट उर्दू स्पीकर और न्यू एवर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, खुश रहे। मैं इतना बेस्ट स्पीकर नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा कुछ बोलने की कोशिश कर लेता हूँ, टूटे मोटे अल्फाज में कुछ अपनी बातें आप तक पहुँचा लेता हूँ मैं। और ये आप सबकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। वर्षा नवीद, बहुत अच्छा सॉन्ग है और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। आमिर शकील साहब कहते हैं बहुत खूब, बस जी जो आप प्ले करते हैं बेस्ट है और लगे रहें शोबी भाई, होप लोग कुछ पार्टिसिपेट किया करें। तामीरी सिर्फ सॉन्ग सुनाने और फरमाइश के अलावा हमें तो यकीन है कि तेरे ज़ौक़ के जानों पर शोबी, हम तो यूं ही तेरे ज़ौक़ के जनों पर रखे गए भरोसा। क्या बात है, जब वाह वाह जी, बात वही आ गई जो आपने मेरे शेर का जवाब दे दिया, जिन्होंने इश्क का सौदा भी खूब है ना, वही बात की आपने। और उसके बाद अहमद शकील साहब जी, वाह वाह बहुत खूबसूरत जी, बस होप कि कोई तामीरी बात हो, बिल्कुल यह ज़रूरी है। और तामीरी बात होती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपने टाइम से कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझाते हैं, ये बातें यही होती हैं आपस में बैठकर जो खूबसूरत गुफ्तगू हो, तो इससे बहुत कुछ हासिल होता भी हमें कभी कभी। शफ़ीउल्लाह मेमन कहते हैं शोबी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआ चाहिए, आप ठीक है, खैरियत से हैं। और उसके बाद बुशरा नवेद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बुशरा अहमद ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल गफ़ार भाई ने हमें ज्वाइन कर चुके, जी हाँ, जी आर मेमन साहब, ये माशाल्लाह 95 से आज तक हमारे साथ हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी आर मेमन साहब, खुश रहें, सलामत रहें। और वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। और उसके बाद फिर जनाब अब यूँ करते हैं कि आते हैं एक और खूबसूरत से कलाम की जानिब। जी हाँ, ये कलाम आपको फिर सुनवाते हैं अमीर शकील साहब की आवाज़ में, जो कि मेरी फरमाइश पर ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी, आपके लिए दुआएं बहुत सारी शामिल करते हैं एक बार फिर। बड़े बड़े मैं ढंडे वेखे जोरा वर सतराने, ते बेअकलां दे नौकर वेखे अकलमंद सियाने, बेअकलां दे नौकर वेखे अकलमंद सियाने, ते इल्म पढ़िया ते अदब ना सीखिया, की लैना इल्म नूं पढ़ के भी ते जाग बिना दुध जमदे ना ही बाहो, जाग बिना दुध जमदे ना ही बाहू, भावे लाल होवन कर कर के हूँ ते मुर्शिद दा दीदार है बाहू, सानू लख करोड़ा हजा हूँ, सानू लख करोड़ा हजा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आने वाले दिनों में कल फिर कुछ कलाम भेजूँगा। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। अमीर शकील साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत थी। और थैंक यू वेरी मच कि आपने थोड़ी सी मेहनत की और मेरे कहने पर, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। चलिए जी अब यूँ करते हैं कि मैं आपको सुनवा रहा हूँ सुरैया खानम की आवाज़ में एक बड़ा क्लासिक सा जो है वो सरायकी में आपको एक गीत सुनवा रहा हूँ सुरैया खानम की आवाज़ में। आयुब के बहुत सारे दोस्त जो है मुझे देख रहे हैं उनकी समझ में भी आ जाएगा और वो समझ भी लेंगे आयुब। Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan. Entertainment Pakistan. जी जनाब एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और जनाब कुछ आपके मैसेजेस पे शामिल करते चलेंगे साथ साथ। तो ये मैंने सोचा कि कुछ उन तमाम दोस्तों के लिए सुरैया खानम की आवाज़ प्ले की, सरायकी का एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक को कड़ा तंगी दिया मैंने प्ले किया। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे कभी कभी सरायकी जो है म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लिए सुरैया खानम की आवाज़ को शामिल किया जाए। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चंद लोगों को हो सकता लगा होगा अच्छा, सबको तो ये नहीं लगता कि सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पसंद सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। मगर कभी कभी दूसरों के लिए भी हमें कुछ चीज़ों को पसंद कर लेनी चाहिए कि यार कुछ हो सकता है कि किसी और की पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चलो आज उनकी खातिर हम भी सुन लेते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो खैर बहरहाल जी ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, कहते हैं ना कि इसीलिए कि मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। और अब यूँ करते हैं कि कुछ मैसेज तो शामिल करेंगे ही हम मगर उससे पहले बल्कि मैसेज ही शामिल करते हैं पहले, उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं। और असदुल्ला मेमन साहब मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप कहते हैं, आपने कहा कि सर जूनी जमशेद की नात प्ले करते हैं कि म्यूज़िक के दौरान गानों में जो है नात प्ले हो नहीं सकती, ये मुनासिब भी नहीं है और आप माशाल्लाह समझदार हैं, तो इसलिए मैं नात जो है वो अभी प्ले नहीं कर सकूँगा इसमें, मैं इसके लिए आपसे माजर चाहूँगा। और उसके साथ साथ शफ़ीउल्लाह मेमन साहब शोबी भाई एक फरमाइश है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू पठाने का आका, ये मेरे पास मैंने निकाला तो हुआ है मगर वो असल में थोड़ा सा टाइम की मुनासबत से मैं उसको प्ले कर सकूँगा, इसलिए कि थोड़ा सा ये तवील भी है, मुख्तसर नहीं है, थोड़ा सा तवील भी इस वजह से। और उसके बाद फिर आजत मोहम्मद सैद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौसम और सर्द हो रहा है, शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। बेशक जी मौसम अब सर्द होना भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी होनी भी चाहिए, ये भी इसका भी अपना मज़ा है ना। और उसके बाद अहमद शकील साहब कहते हैं बस जिसे दे मौला ये उसकी तौफीक और इनायत है, बग़ैर मुमकिन नहीं है कि बंदा कोई नफाद और शऊर करता की बात करे, जब अल्लाह अता करता है तो वो देख कर अता करता है। बेशक इसमें कोई सही बात नहीं है और बहुत अच्छी बात आपने की है, और ज़र्फ़ देख कर अता करता है और ज़र्फ़ के हिसाब से ही अता करता है, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उसको उतनी अता हो जाती है। और उसके बाद बाकी हर चीज़ उसके बाद फिर जनाब हर चीज़ में तनकीद के पहलू ना निकालो महबूब तो होते हैं सिर्फ प्यार के काबिल। वाह जी वाह क्या बात है, वाह जी वाह अहमद साहब अहमद जोगी क्या बात है, ज़बरदस्त जी वाह वाह। बस यकीन करें फिलबदी लिखता हूँ और जो भी लिखता हूँ वो आ जाता है और अता होती है और लिख देता हूँ, कुछ ना मैंने सोचा होता है और ना प्लान होता है। जी अब यही तो अच्छी बात है, फिलबदी जो चीज़ आती है वो आता ही होती है, फिलबदी तो ऐसे कभी फिलबदी तो कभी प्लान होता ही नहीं ना, ये तो बात सच है आपकी। और उसके बाद फिर जनाब अल्लाह जानता है जिंद रहो शोबी भाई, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और ऐसी खूबसूरत सी कुछ बातें लिखते रहें, खूबसूरत से मैसेज लिखते रहें और अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहें, और इस तरह आपको अल्लाह ताला अच्छी सोच अता करता रहे, आमीन सुमा आमीन। और अब यूँ करते हैं कि ज़रा सा आते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक सुनवाने का सोचता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रैक है। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. on Neon Entertainment Pakistan। हाँ, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, फिल्म खुशबू बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। वाकई ये 80s की फिल्म थी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी क्लासिक फिल्म थी। अदाकार शाहिद और मुमताज़ इसके जो है वो मेन करैक्टर थे और बहुत ही ज़बरदस्त थी। और क्या ज़बरदस्त गाना भी चलाया था, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त। वो असल में वो दौर भी अलग तो था ना, वो दौर भी अलग था। आज वो दौर कहाँ, ना वो लोग हैं, ना वो उस तरह का सोच या जहन रखने वाले लोग हैं, ना उस तरह अपने काम से सिंसियर लोग हैं। आज बस आज तो तू चल में आया और बस यही चल रहा सब कुछ है। खैर बहरहाल जी, आते कुछ मैसेज की जानिब आते हैं और अब इधर कुछ मैसेजेस जो हमारे पास हैं जनाब। ये अहमद शकील साहब का मैसेज है जनाब। हाजी जावेद साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से दावत है फ्लैट पर सबको और आपको भी इनविटेशन है शोभी भाई। दाल चावल होंगे, मैं तो डर गया हूँ। दावत वो भी दाल चावल की और फ्लैट पर कोई हुई। और नहीं जी नहीं, अगर किसी ने गलती से वहाँ पर कोई प्लग लगा दिया तो ना दाल होगी, ना चावल होगी, ना चावल वाले होंगे वहाँ पर। तो सर हाजी साहब थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला जी। खुश रहें। हमें वो दाल चावल वहाँ खिलाने के बजाय आप यूँ करें कि थैली में पैक करके लंगर यही भेज दें तो सर जजाकल्ला सर। वहाँ का पलक जो है ना वो वहाँ की तारों से बड़ा डर लगता है। आपके फ्लैट की तारें खतरनाक होंगी, पता नहीं कब फट पड़े भाई, कोई पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। तो इसलिए वो दाल चावल लंगर की थैली में डाल के मुझे भिजवा दें यहाँ पर सर। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। खुश रहें आप। और जिस दोस्त ने जाना है जल्दी से आ जाए। कहाँ जाने के लिए सर ये तो बता दें, मतलब फ्लैट पे या फ्लैट के ज़रिए कहीं और जाने के लिए? तो और फज हाजी साहब ने दावत दे दी है और मैंने थोड़ी हंसी शेयर कर दी है। सर क्या बात आपकी, क्या बात है सर, आप तो फिर पहुँचे हुए ना सर, आपकी बात ही अलग है ना, आप तो फिर आप है। और उसके बाद हसीब कल्याण कहते हैं थैंक यू सर, मेंशन मी इन कमेंट्स, थैंक यू जजाकल्ला जी। और उसके बाद सैयद आबिद अली चिश्ती में ज्वाइन किया, क्या बात है शोबे भाई, थैंक यू जजाकल्ला। कैसे हैं आबिद, आप ठीक ठाक है खैर से? और आबिद अली चिश्ती माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ अंदाज रखने वाले सनाखा है माशाल्लाह, और बहुत पहले आए थे हमारे प्रोग्राम में, हमारे ट्रांसमिशन में। और अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा बुलाएँगे ज़रूर इनको। अली हुसैन ने ज्वाइन किया, सलाम शोबी सर, वालेकुम सलाम, बहुत दूर से फिनलैंड शोबी सर। और सर्दी बहुत है फिनलैंड में और बहुत खूब गाना उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का। जी जनाब, खान साहब की बात ही क्या है। और उस्मान खान ने कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे उस्मान और शोबी सर? कभी जावेद अहमद की गज़ल सुना दो, जवाद अहमद की गज़ल सुना दो। और उसके बाद लव यू एवर, आपको एफएम कभी नहीं मिस करता, रीज़न बिहाइंड यू अजमल सर। थैंक यू जजाकल्ला। खुश रहें जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें आप सब के लिए बहुत से दुआएं हमारी। और अब यूँ करते हैं, इसी बात पर एक मैं आपको सुनवा रहा हूँ मैडम नूर जहां की आवाज़ में, एक बड़ा क्लासिक सा ट्रैक। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. on Neon Entertainment Pakistan। जी जनाब, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कभी कभी ये मुलाकातें ऐसी अधूरी रह जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह होता है ज़िंदगी के मोड़ पर कभी कभी। हसीब कलर का लव यू एवर, आप एफएम कभी नहीं मिस करता हूँ, रीज़न बिहाइंड। और बहुत शुक्रिया उस्मान। उसके बाद अली हुसैन और थैंक यू आबिद अली चिश्ती कहते हैं बहुत नवाजिश ज़बरदस्त, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, आमीन आमीन। खुश रहें जजाकल्लाह। और अहमद शीरा हाजी साहब के कहा हंस के कमर दर्द हो रही है और वो कह रहे हैं कि सब कुछ सब कुछ चेक करवा लिया है वाबड़ा वाले से, तो कोई रास्ता निकाले दावत का। मैंने कह दिया है शोभी भाई मशवरा करके बताता हूँ, शोएज वापटा वाले चेक करेंगे। और उसके बाद इसके दफ़ा 420 वोट आएगी, दावत होगी, होके रहेगी। 420 की तो खैर है सर, अगर 420 से आगे वोट निकल गया तो क्या होगा? तो बंदा तो आगे निकल जाएगा, दाल चावल तो वहीं रह जाएंगे, बंदा दाल चावल में ही छोड़ के आगे निकल जाएगा, उसके दाल चावल दूसरे खा रहे होंगे बैठ के। तो सर ये तो ज़रा कुछ तो ख्याल करें सर। साथ कुरैशी साथ कहते नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाजी साहब खुश रहें, और हाजी जावेद साहब, हाजी रमज़ान साहब के लिए बहुत से दुआएं। जिस जावेद साहब आपके लिए बहुत सारी, आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये ज़िंदगी इसी को तो कहते हैं कि हंस खेल के जो एक वक्त मिले उससे हंस खेल के गुजार लें, और इसी तरह वक्त गुजर जाए। और क्या बंदा मुँह मसोड़ के इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, ये ज़िंदगी तो नहीं है। ज़िंदगी तो यही है कि दो जो लफ्ज़ हमें, जो हमें वक्त मिला है उससे दो खूबसूरत से लफ्ज़ों में इधर उधर कह के सुन के अच्छे वक्त को अच्छा पास कर दें, और कुछ लफ्ज़ अपनी मेमोरी में सेव कर लें, ताकि कभी कहते हैं अकेले में कभी कभी इंसान बैठता है तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उससे कुछ अच्छे दोस्त अच्छी बातें याद आ जाती हैं। और कभी कभी अकेले में बैठ के इंसान उदास भी हो जाता है, और हद तक यहाँ तक होता है कि कभी कभी अकेले में इंसान बैठा होता है तो उसकी आंखों से आंसू भी टपक पड़ते, क्यों? तो उसे वो पुरानी यादें या कुछ ऐसे दोस्त याद आ जाते जो जिनको वो बहुत मिस करता है ज़िंदगी को, उस लम्हे में कि जिस वक्त वो तन्हा बैठा है और फील कर रहा है कुछ। तो ये ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी को कहते हैं। अल्लाह ताला बस जो अच्छे दोस्त हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और अगर आप कहते हैं कि किसी की बुराई पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, अगर आप किसी की बुराई पर उंगली उठा रहे हैं तो पहले खुद को अच्छा साबित करें आप कि आप अच्छे हैं, तब वो उसके पर जो उंगली उठाने से पहले खुद को अच्छा साबित करेंगे तो फिर वो उंगली आपकी कारगर साबित होगी। वो किसी पर टॉन्टिंग, किसी पर तंज, किसी की बुराई को उजागर करने से पहले अपने आप को अच्छा तो साबित कर लें कि आप अच्छे हैं, आप में कोई बुराई नहीं है, आप में वो बुराई नहीं जो आप दूसरे पर उठा रहे हैं, तो फिर बात मज़े की बनती है। और अगर आप किसी पर किसी की बुराई को उछाल रहे हैं और आप में भी वो तमाम ऐसी बुराइयाँ मौजूद हैं, तो फिर आपको हक नहीं कि आप किसी की बुराई को उछालें या किसी को इस तरह रुसवा करें ज़माने में। ये बड़ी सोचने की बात है, अगर हम सोचें तो बहुत कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, वरना तो किसी के लिए पूरी किताब पढ़ के अब सुना दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह लें, कुछ भी सुन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मोहम्मद हसन ने हमें ज्वाइन किया, कहते गुड प्रोग्राम, लिस्निंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, रिकॉलिंग ओल्ड गोल्डन डेज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया सबा ज़मीर, सबा ने शोभी भाई सलाम अलैकुम, सॉन्ग लगाया सोना न चांदीना कोई महल जाने मन तुमको मैं दे सकूँगा। और साथ कुरैशी कहते आमीन, जज़ाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम जी, थैंक यू, जज़ाकल्ला। और अब यूँ करते हैं कि मैं आपको सुनवा रहा हूँ एक ये गाना, आवाज़ भी क्लासिक है, with Ajmal Khan Shobi, shown every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM on Neon Entertainment Pakistan. Entertainment Pakistan. इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज में एक बड़ा क्लासिक ट्रैक है। मुफ्ती साहब की आवाज़ में मैंने सोचा कि कुछ पुरानी याद है तो ज़रूर इसको शामिल कर लिया जाए। और ये नसीम भट्टी साहब की आवाज़ आपको पता है कि ये तो अपने वक्त के बड़े अदाकार भी, गुलकार भी, फिल्म साज भी, हिदायतकार भी, अदाकार नसीम भट्टी साहब, फिर उनके भाई अदाकार और हिदायतकार अदाकार कैफी भी थे। और ये सारा सिलसिला तो आपको पता है कि ऐसे ही सारा ये। और अब इसके बाद यूँ करते हैं कि वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजारा, 2:47 हो चुके हैं। आप सबको खुश आमदीद। फरजाना खान ने ज्वाइन किया, नाइस, थैंक यू वेरी मच फरजाना। उसके बाद अहमद शराज कहते हैं आज भाई का शो कब होता है? वो उनका टाइम जो है वो अब 11 से 1 नहीं बल्कि उनका टाइम जो है वो रात को 9 से 11 बजे का उनका शो का टाइम होता है। तो आप अगर उनको सुनना चाहें तो 9 बजे से 11 उनको सुन सकते हैं। ओस्मान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, ब्यूटीफुल शो। नूर जहाँ का सॉन्ग सोना सुनाने प्लीज़। एक पासे शमा जी, एक पासे मैं। और मोहम्मद हसन कहते हैं गुड शो, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन, थैंक यू, जजाकल्लाह, खुश हैं जी। और उसके बाद वक्त जो है वो आपको तो बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। और अब यूँ करते कि मैं आपको ज़रा सा एक और माजी का बड़ा खूबसूरत ट्रैक है वो ज़रूर सुनवाता हूँ, रूना लैला की आवाज़ में आपको सुनवाता हूँ। बहुत ही क्लासिक ट्रैक है, आई होप के आपको पसंद आएगा। जी जनाब, ये रोना लैला की आवाज़ और माजी की खूबसूरत याद, मैंने सोचा इससे थोड़े से वक्त में अगर इन यादों को ताज़ा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ पुराने अपनी ये म्यूज़िक आपको तक अपनी जगह एक मौजूद है। कुछ मैसेजेस जनाब, ये मैसेज है एम सलीम का। सलाम शोबी भाई, वालेकुम सलाम, हाज़िरी कबूल कीजिएगा, अल्लाह आपको और आपके प्यारों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन, और अपने सिवा किसी का मोहताज न करे, आमीन, अल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद शोबी भाई अस्सलाम वालेकुम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आप और आपकी पूरी टीम को इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद यूसुफ वाली, खुश रहें जी, आर्टिस्ट, राइटर एंड कॉलम निकार, जज़ाकल्ला, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, वाली साहब आपके लिए, खुश रहें। और उसके साथ साथ अब यूँ करते हैं एक बार फिर आ जाते हैं कुछ खूबसूरत यादें और फरजाना खान का मैसेज, नाइस शो, थैंक यू फरजाना खान। और उसके बाद फिर शकील अहमद आछू का मैसेज है, सऊदी अरब से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और इसके बाद फिर जनाब मनोवर इकबाल साहब भी हमें सऊदीया से देख रहे हैं और जनाब कहते हैं प्लीज़ सॉन्ग लगा दे, तांगे वाला खैर मंगता, क्या बात है जी, आपने इधर लिखा और हमारे पास ये गाना मेरे पास पहले से मसूद राना साहब की आवाज़ में मैंने गाना पहले से अपनी क्यू शीट में डाला हुआ है और जो यकीन मैं प्ले करने वाला था, और देखें क्या बात है, इधर आपने लिख दिया सऊदीया से, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, खुश रहें मनोवर इकबाल साहब, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद फिर जनाब टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, मगर मुख्तसर से वक्त में कुछ मुख्तसर से नगमे आप तक जरूर पहुँचाते हैं, तो मसूद राना की आवाज़ शामिल करते हैं। ज़रा तांगे पे चलते हैं, तांगे का दौर भी अपना ही दौर था वाकई, आज तो यहाँ पर हम कराची में देखते हैं या कहीं पंजाब में तो अभी भी आपको तांगे मिलते हैं और अभी भी तांगा, मगर इसकी सवारी एक अलग ही सवारी है और अलग इसकी दौड़ भी अलग है और आवाज़ भी अलग है, चाल भी अलग है, वाह बड़ी खूबसूरत सी बात है। चलिए बिल्कुल कुछ यादें ताज़ा करते हैं कि जब मैं भी बचपन में बहुत तांगों में घूमा। जी जनाब, तांगे वाला खैर मंगदा, तांगा लाहौर तो होवे तो तांगा पावे चांगा था, तांगे वाला खैर मंगदा, बिल्कुल जी। और बिलाल राजपूत कहते हैं नाइस जी, थैंक यू, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। शकील अहमद आछू कहते हैं माशाल्लाह जी, थैंक यू। और उसके बाद लव यू भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह शकील, खुश रहें। और सीमा अल्ताफ ने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सीमा, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब अब यूँ करते हैं कि आज के प्रोग्राम का एक लास्ट ट्रैक जो है वो अब हम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर यूँ करते हैं कि आपसे चाहेंगे इजाज़त, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने अगर मोहलत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल रात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला बस आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर से रहें। और खूबसूरत आवाज़ मेरे खान साहब की, इसके साथ इजाज़त, अल्लाह ने के वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदगी की राह टकरा